कंपनी ज्वाइन करने के लिए मुंबई आया था। ये लो भाई। एक ठंडे पानी की बोतल दो। चौबीस जून 2005 में उसे पहली बार देखा था, देखते ही उससे प्यार हो गया। नजर मेरी ढूंढे जिससे वो तो कोई ख्वाब रे, सामने कभी आए पलकों से ओझल हो जाए रे। मुझे जाने क्या हुआ, क्यों दिल मेरा खोने लगा रे। धीरे होले होले तेरा यार फोन कर देता, मैं तुझे खुद लेने के लिए आ जाता। छोड़ यार, किसी तरह पहुंच गया। क्या बात है, बहुत दुबला हो गया तू। तूने मेरी बॉडी को इससे बढ़कर कब देखा है? तू तो ऐसे बोला जैसे तेरे सिक्स पैक्स हैं। क्या बे, तू तो बोल रहा था कि तुम तीन लोग रहते हो, तीसरा कहाँ है? यही था, अभी नीचे गया है। तुम और तेरे दोस्त। इससे मिला तू? इधर आ। ये है राघव, अपना रूममेट। इसके बारे में शॉर्टकट में कहना चाहूँ तो पढ़ने बहुत स्मार्ट है, तू इस पे ज्यादा विश्वास मत करना। बॉस ये ऐसे ही बकता रहता है, इसकी बातों पे भरोसा मत करो। तुम भी हमारे फ्रेंड हो, जब जी चाहे आ जाना, आराम से रहना। नीचे कर। तू शायद माँ का है। माँ माँ तू का बात है? कर, मेरा फोन स्विच ऑफ है। हेलो माँ जी। अरे तेरी आवाज क्यों बदली हुई है? मेरी माँ मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। मेरी माँ मुझे बहुत चाहती है, मेरे लिए मेरी दुनिया मेरी माँ ही है। अरे मैं ठीक हूँ, तेरे पापा ठीक है, पूरे गाँव वाले ठीक है, हमें यहाँ क्या हुआ है? मेरा बेटा फोन नहीं उठा रहा है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, बस यही बात थी। वो कहाँ है? अच्छा अगर वो तुम्हारे पास हो तो उससे कहना कि वो टाइम पर खाना खाए, अपनी सेहत का ख्याल रखे, म्यूजिक में ज्यादा वक्त मत गवाना। तेरे भरोसे उसे वहाँ भेजा है, उसका ख्याल रखना बेटा। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। सुनो मैंने उसे खास बात बताई थी, उसने तुम्हें बताई? कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने से पहले एक अच्छी सी लड़की अपने लिए पसंद कर लो, ऐसा कहा था। हाँ मान ले हमने उसके लिए लड़की पसंद करके उसका घर बसा दिया तो सारी जिम्मेदारी तो हमारे सर पर आ जाएगी ना। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा बोलकर नुक्स निकालेगा हमेशा। वो तो सदा अपने ही मन का करता है, इसलिए बोली। प्यारे मम्मी बोल रही है ना? हाँ यार बात कर। माँ जी आपके लड़के की पर्सनैलिटी देखकर तो हजारों लड़कियां लाइन में खड़ी हो जाएं। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे हजार लड़की नहीं, सिर्फ एक लड़की चाहिए जो हमारे खानदान के लायक हो, बड़ों का आदर करे, सुबह उठकर पूजा करे, मेरे बेटे के खाने पीने का ख्याल रखे, पूरे खानदान को। हाँ बिल्कुल वैसी ही लड़की चाहिए, देख वो तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है माँ जी रखता हूँ। मैं तेरा सच में दोस्त हूँ ना? तू ऐसा सवाल क्यों कर रहा है? तू तो गिटार लेकर रॉकस्टार की तरह यहाँ पर आया है और उधर तेरी माँ इस चिंता में बैठी हुई कोई लड़की पसंद करके तू आएगा, इसलिए पूछ रहा हूँ सच में दोस्त हूँ या नहीं। वो तो मुझ पे छोड़ दे यार। तुमने ढक्कन बंद कर दिया तेरा मुंह। क्यों तुम लोगों को मुझ पे यकीन नहीं है क्या? नहीं बॉस, जो होना है वो वक्त पे होके रहेगा, चाहे मैं तुम ये सब एक ही है। कल जो आएगा उसे देखना, देवगन के सिंघम के जैसा अपना छोटा पावर। कॉलेज के पहले ही दिन बाप से लड़कर गाड़ी लेकर आ रहा है बॉस। कैसे हो बीड़ू, क्या हाल है? तू आजा आजा आजा, जान लेगा क्या? ए भाई आना, देख कौन आया है। अबे तू ये कौन है? मिलवाता हूँ इससे, ये हमारा दोस्त है केजी, दारू और पढ़ाई साथ में। तीन से भले चार। हाँ तीन नहीं चार। बॉस मैंने कहा था ना, यही है हमारा छोटा पावर। नीचे है यार। कौन सी गाड़ी? चल के देख रहा फिर। यस रूट, कम ऑन कम ऑन, देखो मेरी गाड़ी। ये गाड़ी है, बिल्डअप तो BMW का दे रहा था। अंदर तो बैठ के देखो यार। ये
भगवान, इस कार से तू हमारे कॉलेज तक हमें सही सलामत पहुंचा देगा ना? क्या नाम है? शिवाजी। क्या कहा? शिवाजी। गांव कौन सा है? कितना बड़ा? कितना बड़ा छोड़, इत्थे आ, मैं कौन हूँ जानता है? ए, सुन, भाई के लिए जाके सिगरेट लेकर आ। ठीक है भाई। ए, इधर आओ, बोला ना इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? जबान घर पे रख के आई हूँ क्या? ऐसे क्या देख रही है? भाई, लड़की गर्म मिजाज की लगती है। ए, चुप रह, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ और तू बुद्ध बनकर मुझे घूरे जा रही है। एक्चुअली ये बोल नहीं सकती है। बोल नहीं सकती? क्या यार, सुबह सुबह ही दिमाग का दही होना शुरू हो गया। जाने बोल उसको। चलो चलो निकल। जाने बोल। कौन है बे तू? इतना चिपक कर क्यों खड़ा हो गया? दूर हट। पसियर है। एक काम कर, वो पिंक टॉप पहन के जो लड़की जा रही है ना, अरे अच्छा छोड़, बहुत पकाती है यार वो। उसके बगल में जो वो बबली नाम की लड़की जा रही है ना, जाओ उसे बुला लाओ। क्या देख रहा है तू? भी गूंगा है क्या? क्या यार, आज की शुरुआत ही गूंगों से हो रही है, हद हो गई। ये रैगिंग है। हाँ भाई, ये रैगिंग ही है। सीनियर बोले तो चुपचाप सुन, सवाल मत कर। सीनियर है तो? अरे गलत बात मत कर, सब पर भारी पड़ जाएगा। सीनियर मतलब कॉलेज हम चलाते हैं, हम जो भी कुछ बोले उसे चुपचाप करने का। अगर तुम लोग 20 हो तो हम 21 है। प्रूफ करके दिखाओ। क्या प्रूफ करना है? चल बोल। तू ही बता। कॉलेज की छत पे जो तिरंगा लहरा रहा है, उसको जो जाकर पहले छुएगा वही कॉलेज का किंग हो जाए। क्या? अरे कैसे हो जाए, इसे रास्ता नहीं पता। तो हम क्या करें? पहले ही दिन कॉलेज में आके आंख दिखाएगा तो हम छोड़ देंगे? मैं तो यार, मैं जीता तो इस कॉलेज में, आज से रैगिंग बंद। डील? नो डील। के बाद हमारे कॉलेज में रैगिंग नहीं होगी।